कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की नई पेशकश, शहर के बीचों बीच घर बनाने के सपने अब होंगे पूरे, वो भी फाइनेंस सुविधा के साथ। प्लाट बुकिंग के लिए संपर्क करें पुरुषोत्तम चौरसिया, अंकुर चौरसिया। तू आप भी पहले सीएम हेल्पलाइन बंद करवा, नहीं तो आ रहा हूँ मैं तेरे को उठा के लेके आके आज बता रहा हूँ तेरे को। तुमको इतने प्यार से समझाया तो समझ में नहीं आया, डालना पड़ेगा तुम्हारे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम माफियों को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन माफियों के साथ तो मामा जी पुलिस खड़ी है। कोई गरीब अगर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी करे तो पुलिस उस गरीब को कैसे धमकाती है, यह हम नहीं बल्कि एक थानेदार का ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पीड़ित को धमका रहे हैं कि 181 सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस नहीं लोगे तो प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसेड़ देंगे। हेलो बाप जी, क्या हुआ? क्या हुआ जी? पानी। तुम यार बड़े अजीब आदमी हो। कल मैंने बोला आवेदन दे के जाओ तो तुम पता नहीं उधर जाके आवेदन दे रहा है ना जी। अभी दे रहा है तो तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या कि फालतू बैठे रहे? सब जाना था, सिवनी जाना था, तुम्हारे चक्कर में बैठा हुआ मैं। आप भी दे रहा ना जी। अब तू आप भी पहले सीएम हेल्पलाइन बंद करवा, नहीं तो आ रहा हूँ मैं तेरे को उठा के लेके आके आज बता रहा हूँ तेरे को। तेरे हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे हम लोग। दे रहा है ना जी। तुमको इतने प्यार से समझाया तो समझ में नहीं आया, डालना पड़ेगा तुम्हारे। दे रहा है ना जी। अब पानी बगान चलेगा तो आखिर दे रहा है आने चलेगा, मेरे को उससे मतलब नहीं। मैंने जब तुमको टाइम दिया था कि इतने समय दे के चले जाओ, आज मैं सुबेरे मैं अपना काम छोड़ के तुम्हारे उधर आ रहा था। अब नहीं आऊंगा मैं, आवेदन ही नहीं दिया तुमने अभी तक। जी आओ, अब भी दे रहा है। हम जल्दी आ, इधर आ तू इधर। जी आओ। थानेदार का यह वायरल ऑडियो सिवनी के केवलारी थाना के पलारी चौकी से जुड़ा है। रंगदार थानेदार का नाम हेमंत बावरिया बताया जा रहा है। असल में रोजना गांव के रहने वाले गरीब आदमी रामफल की जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। दबंगसी गांव के रहने वाले जिनका नाम जीत सिंह, बजेंद्र सिंह, विनोद सिंह और तेजपाल बताया जा रहा है। गरीब रामफल ने इसकी शिकायत राजस्व विभाग से लेकर पुलिस विभाग से की है, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो इस गरीब रामफल ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत कर दी। बस इसी से थानेदार हेमंत बावरिया खफा हो गए। उन्होंने पीड़ित के मोबाइल पर उसे इस कदर धमकी दी, भद्दी भद्दी गाली दी, कहा कि वो अगर शिकायत वापस नहीं लेंगे तो प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसेड़ देंगे। मेरा रामफल ठाकुर नाम है बाबूजी। कहाँ रहते हैं आप? मैं रोशान रहता हूँ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरी घटना ऐसी घटी कि मेरी खेती में 4-5 लोगों जीबीसी चलान लगे, कब्जा करने लगे, तो मैंने हट को तो मैं दबान लगे साहब जीबीसी में, तो मैं भागो जान छोड़ के, 4-5 लोग दबान लगे तो फिर इतने में आओ चौकी में, तो चौकी में रिपोर्ट लिख लो साहब बाबूजी का हो, मैंने तो रिपोर्ट नहीं लिखे साहब, तो मैंने 181 में फोन लगा दिया, 181 में फोन लगा दिया, हेल्पलाइन में शिकायत करता तो जो बहुत धमकी दे रहा साहब मैं। कौन? एसआई साहब, जेल भेजवा दूंगा और डंडा चला दूंगा, ऐसा कर रहा है, बहुत धमकी दे रहा है, इधर आके है थे। अगर प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री यह धमकी थानेदार की सुन रहे हो तो आप सही में पानी पानी हो जाएंगे। 181 हेल्पलाइन से शिकायत वापस करवाने के लिए अधिकारियों और पुलिस कुछ इसी तरह के काम कर रही है। भाई गजब है पुलिस और गजब है 181 सीएम हेल्पलाइन। हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस ऑडियो को निराधार भी नहीं बताते। इस तरह के मामलों में कोई कुछ भी कहे, लेकिन प्रशासन और पुलिस गरीब पीड़ितों पर ऐसी रंगदारी करने पर आमादा है। इस रंगदार थानेदार पर क्या कार्रवाई होगी यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पीड़ित पर यह वर्दी में लिपटा लाइसेंसी सरकारी गुंडा जरूर कार्रवाई कर देगा। अरुण चंदेल, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सिवनी।